Hey guys, मनीष हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सबके साथ में एक हेयर सीरम का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जो कि लिवॉन ब्रांड का है एंड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। इसको बहुत से लोग यूज़ करते हैं। सो जब मैंने इसको परचेज़ किया एंड मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे ये पर्सनली कैसा लगा, सब इसमें ऑनेस्ट रिव्यू आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। साथ ही अगर आप एक अच्छा अफोर्डेबल रेंज में हेयर सीरम ढूंढ रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली फ्रेंड्स। एंड अगर आपको नहीं पता है कि हेयर सीरम होता क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है एंड इसको यूज़ करने का हेयर पे क्या बेनिफिट है, क्या इसका फ़ायदा है, तो वो सब भी जानने को मिलेगा। साथ ही मैं इसको हेयर पे अप्लाई करके भी यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से सही तरीका क्या है यूज़ करने का, किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो सब कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ना फर्स्टली इस लिवॉन के हेयर सीरम के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं एंड उसके बाद बताऊंगी कि मैंने इसको यूज़ किया पर्सनली, मुझे ये कैसा लगा, अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये कैसा बालों पे वर्क करता है एंड इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने का क्या बेनिफिट है, ये हेयर सीरम होता क्या है, सब कुछ जानने को मिलेगा। सो पैकेजिंग की बात करें तो आउटर पैकेजिंग कार्डबोर्ड पैकेजिंग में होके आया था, बट मैंने उसको काफ़ी टाइम हो गया परचेज किए हुए तो पता नहीं कहाँ पर गुम हो गया, फेंक दिया शायद। तो अंदर से इस तरह के आपको प्लास्टिक बॉटल में देखने को मिल जाएगा एंड ये प्लास्टिक जो है बहुत स्ट्रांग है, गिरने के बाद बिल्कुल ही ये टूटने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा है, स्लीक सी है, ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है। सो एंड खोलने के बाद इस तरह का इसका कैप है कुछ एंड ये स्प्रे पंप के साथ में आ जाता है तो इसको ईजिली आपको हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको ईजिली आप हेयर पर स्प्रे कर सकते हो डायरेक्टली। सो इस तरह का ये कैप भी बहुत ही अच्छा है, फिटिंग अच्छी है। सो ओवरऑल पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, स्टाइलिश है। आपको फ्रंट में इस तरह का ये पूरा रेड देखने को मिल जाता है, ये वाइट एंड इसका नाम देखने को मिल जाता है लिवॉन हेयर स्ट्रेटनिंग सीरम। अब बात करें कि ये क्लेम क्या करता है, तो ये क्लेम करता है कि हेयर को स्ट्रेट करता है, हेयर को ग्लो प्रोवाइड करता है, ग्लॉसी हेयर बनाता है, हेयर को शाइन प्रोवाइड करता है। सो ये क्लेम करता है, बट आगे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये कैसा वर्क करता है बालों पे, तो उसके लिए आप एंड तक इसको देखते रहें वीडियो को। एंड ये वेगन है, आपको ये सिंबल देखने को मिल जाता है। नाउ इस तरफ इसका फुल डिटेल देखने को मिल जाता है। सो इसके क्वांटिटी की बात करें तो ये 100 ml का ये बॉटल है एंड 100 ml के लिए इसका रेट 250 rupees, बट ये इजिली डिस्काउंट में मिल जाता है, मुझे ये 175 rupees का मिला है। एंड इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो 2 years इसकी शेल्फ लाइफ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसको कभी कभी भी यूज़ करते हो तो इजिली अगर ये पड़ा भी रहता है तो ये 2 साल एक्सपायर नहीं होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ना अब इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है पी प्रोटीन, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, जो कि हेयर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो ये भी बहुत अच्छी बात है, अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। इसकी कुछ और बहुत अच्छी बात ये है कि हर एक हेयर टाइप के लिए आपका कोई भी हेयर टाइप आप यूज़ कर सकते हो, इसको गर्ल्स, वुमेन, मैन इसको सब यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ वुमेन ही गर्ल्स ही यूज़ कर सकती है, इसको मैन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके फ्रेग्रेंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है एंड इसको अप्लाई करने के बाद बालों में बहुत अच्छी काफ़ी देर तक खुशबू आती रहती है। अब बात करें कि हेयर सीरम होता क्या है, तो हेयर सीरम जो है एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट है जो कि हेयर पे अप्लाई करने के बाद हेयर के सरफेस पे एक कोट लेयर चढ़ा देता है, जो कि हेल्प करता है हेयर को डैमेज होने से बचाने के लिए एंड हेयर को फ्रिज फ्री बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, हेयर को शाइन प्रोवाइड करता है। सो यही होता है हेयर सीरम। सो अब बात करें कि हम हेयर सीरम यूज़ क्यों करते हैं, इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हेयर सीरम जो है एक बालों पर लेयर चढ़ा देता है जो कि हेल्प करता है हेयर को प्रोटेक्ट करने में डैमेज होने से, हेयर को फ्रिज फ्री बनाता है, सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी बनाता है, हेयर को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। सो इसलिए हम हेयर सीरम यूज़ करते हैं एंड साथ ही हीटिंग प्रोडक्ट से भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है हेयर को। जैसे कि आप हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कर्लर यूज़ करते हो तो हेयर पे जो हीट जाता है जिससे बाल हमारे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो जब आप हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कर्लिंग यूज़ करते हो तो उससे पहले आप हेयर सीरम लगा लोगे, उसके बाद अगर आप यूज़ करोगे तो आपका हेयर डैमेज नहीं होगा, हेयर हेल्दी रहेगा एंड साथ ही हेयर पे शाइन भी प्रोवाइड करता है। सो इसलिए यही यूज़ है, इसलिए हम यूज़ करते हैं हेयर सीरम हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ना चलिए अब जानते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, क्या सही तरीका होता है यूज़ करने का, तो चलिए मैं इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना है। सो गाइस, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जब आप हेयर शैम्पू से वॉश करते हो उसके बाद ही इसको अप्लाई कर सकते हो, इसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, फर्स्टली तो हेयर सीरम अप्लाई करने से पहले आपको हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके टैंगल फ्री कर लेना है कॉम्ब की हेल्प से। तो पहले तो आपको टैंगल फ्री कर लेना है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हेयर को,
इस तरह से। सो टैंगल फ्री करने के बाद आपको, अगर आपके बाल अपने हेयर वॉश किए हैं तो हल्के गीले जैसे वेट रहता है, हल्का सा सूखने वाला होता है, उस तरह का वेट होना चाहिए। या फिर अगर आपने हेयर वॉश नहीं किया, ऐसे सूखे बाल हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा सा पानी लेके हल्का बाल को हल्का सा वेट कर लोगे। या फिर अगर आपके पास नॉर्मल स्प्रे बॉटल है खाली, तो उसको पानी उसमें फिल करके आप स्प्रे कर सकते हो हेयर पे, तो हल्का सा इसको वेट कर लेना है हेयर को, एंड उसके बाद आपको हेयर सीरम अप्लाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा वेट। सो मैंने ये जो स्प्रे बॉटल है ऑनलाइन ही परचेज किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको चाहे तो इसमें आपका दो टोनर बनाते हो, उसको रखने के लिए आप DIY टोनर फेस सीरम तो उसको रख सकते हो, हेयर सीरम अगर घर पे बनाते हो उसको रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी मैंने स्प्रे बॉटल का रिव्यू किया हुआ है, तो आप अगर इसको परचेज करना चाहते हो या फिर इसके बारे में आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे चैनल पे वीडियो है इसका फुल, तो आप देख सकते हो वहाँ से। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्लस बहुत अच्छा, मैं यही यूज़ करती हूँ। तो हेयर सीरम अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा इसको शेक कर लेंगे। सो इसको रूट में अप्लाई नहीं करना है, पूरे लेंथ पे अपने हेयर के हिसाब से अच्छे से स्प्रे कर लेना है। तो चलिए स्प्रे करके दिखा देती हूँ, एंड कोशिश करें कि आईज को क्लोज कर लें, आईज में न जाने पाए तो ये नुकसान करेगा। पूरे लेंथ में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। मैंने ये पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लिए हैं, एंड उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको हल्के हाथों से इस तरह से मिला लेना है। सो इसको लगाने के बाद अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग एंड हेयर कलर यूज़ करते हो, तो इसको बालों में पहले सीरम को अच्छे से ड्राई होने देना है। कोई भी ड्रायर या कुछ भी यूज़ नहीं करना, नेचुरली आपको एक दो मिनट ड्राई होने देना है, और उसके बाद आप हेयर स्ट्रेट या हेयर कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सो एंड साथ ही इसको अच्छे से मिला के आप साथ ही साथ कॉम्ब कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये हेयर को कितने अच्छे से स्ट्रेट कर रहा है। तो ये नेचुरली जो बोलते हैं कि जो इन्होंने क्लेम किया है कि स्ट्रेट करता है हेयर को, सो ये सच में हेयर को स्ट्रेट कर रहा है। एंड जो शाइन की बात करें, तो मैंने इसको पहले भी अप्लाई किया हुआ लिया है, तो आपको ये हेयर पे शाइन भी लाइटली देता है, बट बहुत ज़्यादा ग्लॉस शाइन नहीं प्रोवाइड करता है। अप्लाई करने के बाद मुझे ये सीरम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये हेयर को स्ट्रेट भी करने में हेल्प करता है, एंड हेयर को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है। एंड इसकी एक और बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपने शैम्पू किया तभी इसको अप्लाई करना, आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी जाना है, सपोज पार्टी है, फंक्शन है, या कहीं किसी से मिलने जाना है, या बाहर जाना है घूमने, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी से हल्का सा हेयर को वेट करके इसको स्प्रे कर लोगे, कॉम कर लोगे, तो आपके बाल बहुत ही अच्छे सॉफ्ट स्मूथ सिल्की, एंड अगर फ्रीजी है तो फ्रीज फ्री हो जाएंगे। सो फ्रीज फ्री होने में, ड्राइनेस को दूर करने में, हेयर को स्ट्रेट करने में, एंड ग्लॉस प्रोवाइड करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मुझे ये पर्सनली ये जो सीरम है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, प्लस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो मैंने ये नायका से परचेज किया है, ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप चेक करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो कर सकते हो। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो मैंने इसको बाय किया है, यूज़ किया, मुझे पर्सनली कैसा लगा मैंने सोचा आप सबके साथ में शेयर करूँ, तो मुझे ओवरऑल ये अच्छा लगा है। आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। एंड एक और टिप देना चाहूँगी कि अगर आपके फ्रंट पे बेबी हेयर होते हैं, या थोड़े बहुत ऊपर में छोटे छोटे हेयर होते हैं, तो उसको खड़े होते हैं या फिर ऊपर दिख रहे हैं फ्रीजी, तो अच्छे नहीं लगते, तो उसको क्या करोगे, आप लाइटली उस पर स्प्रे कर लोगे, एंड हाथ से इस तरह से सेट कर लोगे, तो हेयर को ये फ्रीज फ्री बनाने में, हेयर को सेट करने में हेल्प करता है। तो आप कहीं भी अगर जाते हो, आपके बाल थोड़े से खराब दिख रहे हैं, तो आप इसको इजिली यूज करके सेट कर सकते हो बालों को। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। आप मुझे DM करके इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मनीषा ब्यूटी कॉर्नर। सो ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे यूजफुल वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी हर वीडियो देख पाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।